गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग नमस्ते आदाब सत श्री अकाल वालेकुम सलाम एंड जय श्री कृष्णा सवा दिखा। तो कैसे हैं आप लोग? आज है हमारा डे 3 इन फुकेट थाईलैंड और हम लोग जा रहे हैं अभी बहुत सही चीज़ करने के लिए। मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 9 और हम लोग हमारी कार देख रहे हैं कौन सी कार में बैठ के जाना है हम लोग को। कौन सी कार है? 1 सेकेंड, 3125 26। ओके यस, दिस वन इज आर कार। तो गाइस एक सेकेंड में कार में बैठ के ड्राइवर को ढूंढ के और फिर आपसे वापस बात करता हूँ। और तो गाइस वी आर इनसाइड दिस टैक्सी एंड एक्चुअली हुआ ये कि हम लोग कब से जो हम हमारी जिसने बुकिंग करी थी हमसे कब से उसको पूछ रहे थे कि कौन सी गाड़ी है, वो आया कि नहीं आया ड्राइवर, बट वो कुछ बता नहीं रहा था। फिर उसने अभी बताया मुझे कि ये गाड़ी नंबर है तो आप यहाँ पे जाके इस गाड़ी में बैठ जाओ। और अभी यहाँ पे मैं आया हूँ तो फिर ड्राइवर कह रहा है अरे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ आपको, आप मिल नहीं रहे हो। मैं बोला अरे मेरे को बताओ कहाँ पे आना है, कैसे आना है, कौन सी गाड़ी नंबर है, तो मैं आऊँ ना। तो चलो अभी हम लोग बैठ गए हैं, अब चलते हैं उस जगह जिस जगह पर हम जा रहे हैं और फिर वहीं जाके मैं आपको रिवील करूंगा जगह क्या है और आज हम क्या करें। सबसे बेसिकली थिंग यह है कि हम लोग अभी पानी में जाने वाले हैं थ्रू स्पीड बोट। ये जगह है, इस जगह पे हम लोग आए हुए हैं। दो लोगों का जो चार्ज लगा हमें वो 1000 पर पर्सन, तो 2000 बाट पर पर्सन, तो 4000 हमें टोटल लगा है, चाइल्ड फ्री है। अभी हम लोग स्पीड बोट में बैठ के और यहाँ पे जो केव्स वगैरह जो है और अलग अलग 5 आइलैंड्स हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग उसी के लिए जाएंगे अभी। अभी 10:30 बजे यहाँ से स्पीड बोट चालू होगी और फिर हम लोग निकलेंगे हमारे मस्त एक बोट ट्रिप के लिए। तो चलो गाइस 4-5 बढ़िया आइलैंड्स देख के आते हैं। और वैसे मोस्टली यहाँ पे फॉरेनर्स ही हैं, मुझे इंडियंस तो एक दो लोग ही दिखे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, वेट करते हैं, मैं आपको अंदर भी दिखा देता हूँ किस तरह का है। तो अंदर जाके हम लोग वेट करते हैं, हमारे बोट में कोई अच्छी जगह मिल जाए हमें स्पीड बोट पर बैठने के लिए, सो देट वहाँ से अच्छी चीज़ें कवर हो सके। चलिए अंदर चलते हैं और लेट्स एन्जॉय। You show us your clothes. You show us your clothes. Wow, nice clothes. You nice clothes. Guys, अभी अपन यहाँ पे फुकेट में है, तो ये बोल रहे अभी अपन फुकेट में है। फुकेट से हमें फंगनाम में जाने के लिए 45 मिनट्स लगेंगे। So there are basically 5 islands. First one is Panak Island. Hong Island and then Pani Island and then the James Bond Island. When we arrive James Bond Island, the boat stop and we get off in Johor. After that, we go over to the last island together. And this one is the last island, Giao Yai Island. आप लोग को समझ में आ गया पूरा सीन क्या है? 5 अलग-अलग आइलैंड्स पे जाने वाले हैं और स्पीड बोट के थ्रू और बहुत मजा आने वाला आई गेस। हेलो हेलो। तो चलो गाइस लेट्स गेट रेडी। तो गाइस फांगा बे, जिसको भी यहाँ पे ट्रिप करनी हो वो यहाँ पे मतलब आपको बुकिंग करवानी पड़ती है 2000 बाट पर पर्सन। किसी किसी से ज़्यादा भी लेते, शायद हमें थोड़ा डिस्काउंट मिला है, तो बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो चलो वेट करते हैं, साथ में 5 मिनट और रह गए। तो गाइस टाइम हो गया स्पीड बोट में बैठने का, मैं बिस्किट खा रहा हूँ अभी और एकदम से उन्होंने बुलाया, चलो कोई बात नहीं चलते हैं स्पीड बोट में मज़े लेते हैं। भाई देख लो यहाँ पे ऐसे कैनबीज उगती है। तो ये कैनबीज चल रहा है हाई रोलर क्लब। चलो लेट्स गो गो गो। गाइस ये जगह है, ये बोट्स पड़ी हुई है मस्त बढ़िया, अच्छी सनशाइन है, सनस्क्रीन लगा रखी है हमने। चलो चलते हैं अंदर। ओके सो गाइस गाइस अब सीन ये है कि हम लोग आ गए हैं अंदर और आगे बैठने का कोई मतलब है नहीं, आगे आ रही है बहुत सारी खतरनाक वाली धूप, यही बैठते हैं थोड़ा शेड में क्योंकि ह्यू भी हमारे साथ में।
तो शेड में बैठना ठीक है, यहीं से सारे व्यूज कैप्चर करेंगे और बीच बीच में चले जाएंगे आगे। गाइस चल गए, ध्यान से। तो गाइस हुआ ये कि अंदर बहुत ज्यादा आवाज थी ज्यादा, इसलिए अंदर व्लॉगिंग हो नहीं पाई, बट बाहर देखो बहुत बहुत सही सीन है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं केव के अंदर और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको दिखाने वाले हूं, बने रहिए मजे करते रहिए। तो चलो गाइस अंदर केव में चलते हैं। थोड़ा सर बचा के, यू को भी बचा के, क्योंकि यार मतलब मेघालय में मैं गया था ना केव के अंदर, और वापस अब जा रहा हूँ। तो गाइस केव बहुत खतरनाक है यहाँ पे, ये बहुत नीचे नीचे है, यहाँ पे है सारी रॉक्स वगैरह, पर थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा यहाँ पे। थोड़ा अपन अब तो मैं पता चला मेघालय में मुझे कैसा लग रहा था अंदर वहां पे लाइमस्टोन में। आई फील यू ब्रो। तो गाइस इस केव में आने का सिर्फ ये पॉइंट है कि आप इस छोटे से एक विंडो में जाके फोटो क्लिक करवाते हैं और वापस चले जाते हैं, इसके अलावा इस केव में आने का कोई पॉइंट नहीं है। बस लोग जा रहे हैं वहाँ पे फोटो खींचा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं, बस दैट इज ओनली पॉइंट। चलो अपन भी कर लेते हैं थोड़ी टूरिस्ट थिंग्स। तो गाइस ये एक पॉइंट है जहाँ पे आप फोटो ले हो और बस वापस जाते हो आप। टर्न आ गया है आगे जाने का, बस यही एक वो था व्यू।